हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे? आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की, और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं, उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारी यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है जैसे, सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी, और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट? और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झासर एकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा। जो जिन पेड कोर्सेज को झासर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं, जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है, झासर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है, और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट? तो आप इन कोर्सेज को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है, और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झासर एकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और हमारा एक ऐप भी है झासर एकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइस जरूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा, और वेबसाइट भी अवेलेबल है, उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट? सो गाइज, झासर एकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हेलो एवरीवन, जय हिंद, वेलकम टू झासर एकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, हम कर रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 10th, और क्लास 10th की एनसीईआरटी में हमने अपना लास्ट लेक्चर में चैप्टर 7 स्टार्ट किया था, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। हमने इस चैप्टर में थोड़ा सा बेसिक्स देखा था, और फिर हमने अपने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किए थे जिसमें हमने रोडवेज की बात की थी। आज हम उसके आगे के ट्रांसपोर्ट स्टार्ट करेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, मेन चीज़ों के नोट्स बनाएंगे, राइट? सो स्टार्ट करने से पहले कल जो पढ़ा था उसको विद इन 2 मिनट्स हम फटाफट से ओवरव्यू ले लेते हैं। लेट्स प्रोसीड नाउ। हाँ, तो हमने क्या देखा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें क्या है कि हमारे आसपास के एरियाज में अवेलेबल नहीं है। वो अवेलेबल ना होने की वजह से अब क्या होता है कि जो चीज़ें हमें चाहिए वो हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को कैसे यूज़ कर पा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट की वजह से यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक कनेक्टिविटी है, डेवलप हो रखा है हमारा ट्रांसपोर्ट, इतना ज़्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है हमारे पास बहुत सही से, अच्छे तरीके से। दैट इज़ वाई उनकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, हम पहुँच पा रहे हैं।
या हमारे तक जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हम तक पहुंच पा रही हैं। और टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ साथ अब ये चीज़ क्या हो गई है कि अब तो पहले क्या होता था, ट्रांसपोर्टेशन फिर भी लिमिटेड होता था एक एरिया में या फिर एक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब टेक्नोलॉजी की वजह से क्या हो रहा है कि अब हम बहुत मतलब स्पेस की कोई भी लिमिट रही ही नहीं है। देर आर नो बाउंड्रीज नाउ। लाइक जैसे ऑनलाइन स्टोर्स हम देखते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग एंड ऑल, और जो ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं उनको हम क्या कह देते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं। तो बहुत ज़्यादा अब हमें कोई भी, अगर हमें डेवलपमेंट करनी है, चाहे इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज जो भी हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होना ज़रूरी है, उसकी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। अब ट्रांसपोर्ट भी अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, लैंड, वाटर, एयर, अलग अलग तरीके के हम ट्रांसपोर्ट देखते हैं, ठीक है। तो अब ट्रांसपोर्ट भी कैसे सक्सेसफुल हो पाएगा, जब उस ट्रांसपोर्ट के साथ साथ एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, डेवलप्ड होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये क्या है, ये तीनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के साथ चलते हैं। मतलब अगर सारे ही होंगे, ट्रेड होगा, ट्रेड के साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन भी अगर अच्छा होगा तो ट्रेड भी अच्छा होगा, उसमें बढ़ोतरी होगी और ओवरऑल हमारी इकोनॉमी अच्छी होगी, राइट। उसके बाद हमने बात की थी रोडवेज ट्रांसपोर्ट की, कि रोडवेज इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स है इंडिया के पास। अब उसको क्या है कि रेलवेज जो है उससे पहले रोडवेज आई थी, और रोडवेज की ही आज भी हमें एक सुपीरियोरिटी हम कह सकते हैं कि हम रखते हैं, ऊपर रखते हैं रोडवेज को रेलवे से। क्यों? क्योंकि एक तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, दूसरा वो हम क्या करते हैं, शॉर्टर डिस्टेंस, या हम बिल्कुल अपने डेस्टिनेशन तक जा सकते हैं, रेलवे से हम वो नहीं जा सकते। या अगर कोई ट्रांसपोर्ट ट्रांसफ़र करना है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज, मान लीजिए प्रोडक्ट्स हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा, फैक्ट्री टू पहले ट्रेन तक लेके जाना पड़ेगा लोड करके, देन दोबारा से अनलोड करके लोड करना पड़ेगा ट्रेन में, सेम सीन फिर वापस से जहाँ पे डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे वो प्रोडक्ट्स लेके जाने वहाँ पे होगा। तो लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, तो वो भी हमारी बच जाती है, ठीक है। और रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो एक फीडर होता है, क्योंकि वो बाकी सारे जो ट्रांसपोर्ट्स हैं उनको कनेक्ट कर देता है। अब हमारे जो मेन है, 6 ऐसे हमें रोड्स देखने को मिलते हैं, हाईवेज, जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला हमने बात की थी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर हाईवेज, जो कि 4 दिशाओं में कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को कनेक्ट करता है, 4 स्टेट्स हमें देखने को मिलती हैं। देन नेशनल हाईवेज, जो कि एक्सट्रीम पार्ट्स तक लिंक कर देता है। और सबसे पहला कौन सा नेशनल हाईवे 1 कौन सा है, जो शेरशाह सूरी मार्ग था, शेरशाह ने डेवलप किया था। फिर स्टेट हाईवेज, जो स्टेट्स का होता है, जो स्टेट की सारी डिस्ट्रिक्ट्स को स्टेट के हेडक्वार्टर से कनेक्ट करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट के जितने भी जो एरियाज़ है, ज़िला है, उनको कनेक्ट करता है, और उसको कौन इंप्लीमेंट करता है, ज़िला परिषद। देन इट इज़ अदर रोड्स, अदर रोड्स मतलब जो रूरल रोड्स के लिए इस्टेब्लिश की गई है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोड बनानी है, कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करनी है, उसके लिए सरकार स्कीम भी लेके आई, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। देन बॉर्डर रोड्स, जो कि इंडिया बॉर्डर शेयर करती है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, तो वहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, वहाँ पे प्रॉपर रोड्स बनाना, ताकि वो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा हो, डेवलपमेंट और सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए भी हमारे लिए वो अच्छा हो जाए, राइट। तो इतना हमने कल के लेक्चर में अपना पढ़ा था, ठीक है। और हाँ, रोड्स कौन सी होती है, मेटल्ड और अनमेटल्ड, दिस इज़ वेरी इजी, मेटल्ड पक्के रोड्स और अनमेटल्ड कच्चा रोड्स। नाउ विल कंटिन्यू विद रेलवेज। Railways are the principal mode of transportation for freight and passengers in India. Principal mode है मतलब कि जो ट्रांसपोर्ट करना है कि कोई भी सामान करना है या पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आना है, तो उसका एक बहुत प्रमुख हम कहें साधन है ये रेलवेज। रेलवेज ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू कंडक्ट मल्टीफेरियस एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रीमेज, अलॉन्ग विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। मतलब रेलवे से क्या है कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट की जा सकती हैं, जैसे कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेज पे, ज़्यादा लंबे डिस्टेंस है। अब हम कहें कि रोडवेज़ है, रोडवेज़ में हमने ये बात की थी कि जो शॉर्टर डिस्टेंसेज हैं वहाँ के लिए रोडवेज़ बेस्ट माना जाता है, तो लॉन्गर डिस्टेंसेज के लिए, क्योंकि हम रोडवेज़ को नहीं ले सकते,
क्योंकि उसमें हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारा कौन सा बेस्ट होता है, उसमें होता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट, रेलवेज। ठीक है, कि चाहे जो पिलग्रिमेज, जो ये होते ना दर्शन करने के लिए जाते हैं यात्री, ठीक है, कहीं पे जैसे वैष्णो देवी है, तो वैष्णो देवी रोड ट्रांसपोर्ट से लोग कम जाते हैं, वो रेलवे से ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस है, या फिर कोई बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है, फॉर एग्जांपल बिजनेस पर्पसेस के लिए, या कोई घूमने जा रहा है वैसे लॉन्ग डिस्टेंसेस पे, राइट। अपार्ट फ्रॉम एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, द इंडियन रेलवेज हैव बीन अ ग्रेट इंटीग्रेटिंग फोर्स फॉर मोर देन 150 ईयर्स। मतलब एक इम्पॉर्टेंट मीन्स तो है, एक ज़रूरी साधन तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये क्या भी है, ये बहुत एक अच्छा, मतलब इंटीग्रेटेड है, कितने सालों से, 150 सालों से भी ज़्यादा, 150 साल से भी ज़्यादा हो गए रेलवेज को, जब से ये बिल्कुल अच्छे से डेवलप्ड है, इंटीग्रेटेड है। रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकॉनमी लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो अभी क्या है, जैसे वो कोल्ड स्टोरेज ट्रेन्स चलाई गई हैं, वो क्यों चलाई गई है, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं वो सेव्ड रहेंगी, फार्मर का लॉस नहीं होगा, और जो वो कमोडिटीज़ हैं वो जल्दी से जो है मार्केट तक पहुंच पाएगी, दूर दराज के जो कंज्यूमर्स हैं उन तक पहुंच पाएगी, एग्रीकल्चर बूस्ट अप होगा। सिमिलरली इंडस्ट्रीज़ जो हैं, अब रोड ट्रांसपोर्ट से तो क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ का लिमिटेड डिस्टेंस पे या शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही वो क्या कर सकते हैं, अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं, लेकिन रेलवेज़ के माध्यम से वो लॉन्गर डिस्टेंसेज तक भी अपने गुड्स को पहुंचा सकते हैं। तो क्या होगा, लॉन्गर डिस्टेंसेज तक जाएंगे तो ज़्यादा डिमांड होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, ज़्यादा लोग उस पर एम्प्लॉयड करेंगे, एम्प्लॉय किए जाएंगे, तो उनकी क्या होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगी, दैट मीन्स इकोनॉमी की डेवलपमेंट होगी, राइट। देन द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। मतलब कि किस तरीके से रेलवे का नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरीके से नेटवर्क कहाँ कहाँ से हमें कनेक्ट करना है, वो वेरियस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। द नॉर्दर्न प्लेन्स विद देयर वास्ट लेवल लैंड, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, अब जैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लैंड अवेलेबल है, पॉपुलेशन भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, और एग्रीकल्चर रिसोर्सेज भी, क्योंकि लैंड है और फर्टाइल लैंड है तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी अच्छा होता है, तो वहाँ पे क्या है, रेलवेज बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर पाएंगे, तो वहाँ पे रेलवे का नेटवर्क काफ़ी अच्छा रखा जाता है। However, लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स रिक्वायरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज अक्रॉस देयर वाइड बेड्स पोज सम ऑब्स्टेकल्स। लेकिन वहाँ पे काफ़ी सारे रिवर्स है, उसकी वजह से कई बार क्या हो जाती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। इन द हिली टेरेन्स ऑफ द पेनिनसुलर रीजन रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, गैप्स और टनल्स। क्योंकि जो हिली टेरेन्स है वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें क्या किया जाता है, फिर जो टनल्स हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स है वो टनल से, या फिर जो नीचे लो हिल होते हैं, गैप्स होते हैं, वहाँ से निकाली जाती है। द हिमालयन माउंटेनस रीजन्स टू आर अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन्स ड्यू टू हाई रिलीफ, स्पार्स पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। अब जो हिमालयन रीजन्स हैं वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वैसे ही लोग कम वहाँ पे रहते हैं, तो पॉपुलेशन क्या है वहाँ पे कम रहती है, ठीक है, और ऊपर से एरिया भी ऐसा है कि एक रिस्की टेरेन है, हाई टेरेन है, तो उसकी वजह से क्या है, प्रॉपर तरीके से एक तो रेलवे लाइन इस्टेब्लिश करनी भी प्रॉब्लमेटिक आ जाती है, और उसके बाद फिर वहाँ पे प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है कि वो वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोग ही नहीं है, वहाँ पे ज़्यादा तो लोग नहीं है, तो पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट भी नहीं होगा और गुड्स भी ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं होंगे वहाँ पे, दैट इज़ वाई वो थोड़ा सा अनफेवरेबल हो जाती है वो प्लेस। लाइकवाइज इट वॉज डिफिकल्ट टू ले रेलवे लाइन्स ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प्स ऑफ गुजरात, फॉरेस्ट ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। कि मतलब जहाँ पे सैंड, जैसे जो एरिड या सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पे भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है रेलवे लाइन्स नेटवर्क को क्रिएट करना। द कॉन्टिग्यूस स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू गैप्स और पासेज। अब जो सह्याद्री है
वहाँ पे जो भी गैप्स हैं, जो पासिस हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है वहाँ पे, कि प्रॉपर वहाँ पे नीचे से जाएं, उनके गैप्स के थ्रू जाएं, पासिस के थ्रू घाट बनाए हुए वहाँ पे, ताकि रेलवे लाइन वहाँ से जा सके। इन रीसेंट टाइम्स द डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे along the west coast has facilitated the movement of passengers and goods in this most important region of India. मतलब अभी जो कोंकण वेस्टर्न कोस्ट पे, जो कोंकण कोस्ट है वहाँ पे भी रेलवे लाइन establish की जा रही है, develop की जा रही है, ठीक है, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, passengers का movement proper तरीके से हो सके, goods का movement हो सके, तो क्या होगा वहाँ पे, उस रीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा, वहाँ पे वो इस रीजन की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, तो उस रीजन के विकास के लिए अच्छा होगा, उस रीजन का विकास होगा तो हमारी कंट्री में भी कंट्रीब्यूट करेगा, और वहाँ पे फिर रेलवेज भी क्या हो पाएंगी, ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएंगी, एक अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगी। इट हैज़ ऑल्सो फेस्ड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स सच एज थिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेज एंड लैंडस्लाइड्स, कि कई बार लैंडस्लाइड वगैरह हो जाती है, फ्लडिंग वगैरह आ जाती है, तो उसकी वजह से कई बार यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है। Today the railways have become more important in our national economy than all other means of transport put together. अब अगर हम आज की बात करें तो railways हमारे लिए सबसे ज़्यादा important means है आज के time पर, national economy के point of view से अगर हम देखें तो, अगर हम सबको total भी मिला दें ना, जो जो भी transport होते हैं, roadways, waterways, airways, अगर हम सबको भी मिला दें तो हम किस तरीके से रख सकते हैं कि एक जगह हमने डाल दिया roadways plus waterways plus airways, वो क्या होंगे, they all will be less important in terms of national economy, contributing to national economy, less important as compared to railways. तो हम इस तरीके से इसको as an equation भी डाल सकते हैं, railways greater than sign you put and then roadways plus waterways plus airways. However, rail transport suffers from certain problems as well. अब उसमें कुछ problems भी होते हैं, कैसे कैसे, many passengers travel without tickets, ये तो होता है, किसी भी ट्रेन में देख लो, मतलब मोस्ट ऑफ ट्रेन्स में 99% ट्रेन्स ऐसी होती है जहाँ पे आधे पैसेंजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास टिकट्स ही नहीं होती हैं। थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज़ नॉट येट स्टॉप्ड कम्प्लीटली, मतलब वहाँ पे चोर होते हैं जो कि पैसेंजर्स का सामान चोरी कर लेते हैं, खींच के ले जाते हैं, या फिर जो रेलवे की प्रॉपर्टी है वहाँ पे जो सीट्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है उसको डैमेज करते हैं, उसको नुकसान पहुँचाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो जो एसी कोचेस होते हैं ट्रेन्स में, वहाँ पे प्रॉपर आपको पिलो एंड ब्लैंकेट प्रोवाइडेड होता है, तो कई बार लोग क्या करते हैं वहाँ पे टाल भी देते हैं वो साथ में एसी कोचेस में, तो लोग क्या करते हैं कई बार कि वो टाल है या वो जो ब्लैंकेट है उसको अपने साथ अपने बैग में डाल के ले जाते हैं। दिस हैपन्स, तो ये क्या, ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम होती है रेलवेज में। People stop the trains, pull the chain unnecessarily and this causes heavy damage to the railway. अब रेल्स के अंदर कुछ वो एक चेन होती है emergency के लिए, अब वो चेन किस लिए लगाई गई है कि कोई emergency situation है तो वो चेन पुल कर दो, अगर वो चेन खींच दी जाएगी तो ट्रेन एकदम से रुकती है। अब अगर ट्रेन क्या है स्पीड में है, चेन खींच दी जाए, अब वो क्या करेगा, वो एकदम से ब्रेक लगाएगा, जो ट्रेन ड्राइवर है वो ब्रेक लगाएगा, ब्रेक लगाएगा, उससे क्या होता है कि रेल्स को डैमेज पहुंचता है, जो ट्रेन है उनको डैमेज पहुंचता है, ठीक है, और इससे क्या होगा, ट्रेन डिले भी होगा, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो अननेसेसरीली वो है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, बट अननेसेसरीली भी लोग उस चेन को खींच देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो हमें रेलवे से एसोसिएटेड भी देखने को मिलती हैं, बट स्टिल इफ वी टॉक अबाउट अदर दैन दी प्रॉब्लम्स के साथ भी रेलवेज हमारा सबसे ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटर या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर है नेशनल इकोनॉमी में, ठीक है। तो ये क्या था, ये थी हमारा रेलवेज। नाउ विल टॉक अबाउट पाइपलाइंस। Pipeline transport network is a new arrival on the transportation map of India.
कि अगर हम ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो हम क्या रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज, लेकिन पाइपलाइंस के बारे में हम नहीं बात करते हैं। पाइपलाइंस के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता है, हम ज़्यादा उनको कंसिडर नहीं करते अगर हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो। लेकिन आज के टाइम पे ये ट्रांसपोर्टेशन मैप में हमें इसका भी अराइवल देखने को मिल चुका है। अब पाइपलाइंस भी हमारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में आ चुका है। इन द पास्ट दीज वर यूज टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। पहले क्या होता था, ये सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे कि सिटीज़ हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उन तक पानी पहुंचाने के लिए। नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स। राइट, तो ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है अब सिर्फ पानी को ही नहीं, जो ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल है, ऑयल्स हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें अब पाइपलाइंस के थ्रू क्या हो रही हैं, फैक्ट्रीज तक, रिफाइनरीज तक, थर्मल पावर प्लांट्स तक, हर जगह पे इनको क्या किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। मतलब जो सॉलिड है ना, जो हम बात अगर हमसे पूछा जाए कि हाउ विल यू ट्रांसपोर्ट अ सॉलिड, हम क्या कहेंगे, हमसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पूछा जाए तो हम उसमें पाइपलाइन को ऐड ही नहीं करेंगे, हम उसमें पाइपलाइन ही रखेंगे, हम उसमें बोलेंगे रोडवेज से की जा सकती है, रेलवे से की जा सकती है, एयरवेज से की जा सकती है, वाटरवेज से भी हम कर सकते हैं, बट थ्रू पाइपलाइंस नो वी कैन नॉट। तो दैट स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट क्या है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये पॉइंट दे दिया जाए कि सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ पाइपलाइन, तो उसमें क्या आ जाएगा, वो स्टेटमेंट हमारी सही होगी बिल्कुल। बट जिन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है वो अपनी थिंकिंग लगाएंगे वहाँ पे, तो वो क्या कर देंगे, इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देंगे कि सॉलिड कैसे जा सकता है यार, पाइपलाइन है तो लिक्विड ही तो जाएगा, हाँ ऑयल चला जाएगा, गैस चली जाएगी, सब कुछ चला जाएगा, सॉलिड थोड़ी जाएगा, बट सॉलिड भी जा सकता है अगर उसको स्लरी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो। राइट, द फार इनलैंड लोकेशंस ऑफ रिफाइनरीज लाइक बरौनी, मथुरा, पानीपत एंड गैस बेस्ड फर्टिलाइजर प्लांट्स कुड बी थॉट ऑफ ओनली बिकॉज ऑफ पाइपलाइंस। मतलब ये जो अलग अलग हमें रिफाइनरीज देखने को मिलते हैं दूर दराज पे, तो वो क्या है कि अब हम उन तक भी पहुंचाने का सोच सकते हैं, चाहे उनको ऑयल चाहिए, चाहे उनको नेचुरल गैस चाहिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी चाहिए, हम उनको पहुंचा सकते हैं अब। किस तरीके से, सिर्फ पाइपलाइंस की मदद से हम वो अब सोच सकते हैं कि हाँ हम उन तक पहुंचा दें। जैसे कि पानीपत है, पानीपत इज़ इन हरियाणा, लेकिन जो इनलैंड लोकेशंस है, मतलब जो जहाँ से ये ऑयल वगैरह आता है, मान लो अब ये इम्पोर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट करके ये क्या आएगा, कॉस्ट से आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो अब ये कॉस्ट से आएगा तो क्या होंगे, जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पे आ रहा है उनके लिए तो प्रॉक्सिमिटी में, लेकिन हरियाणा क्या है, वो बीच में हो गया, इनलैंड स्टेट हो गई, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ तक पहुँचाने की काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली और काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा पहुँचाना, तो इसीलिए हम उसको पाइपलाइन के थ्रू ईजिली पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस इज हाई बट सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट आर मिनिमल, इट रूल्स आउट ट्रांसशिपमेंट लॉसेज और डिलेज। मतलब कि शुरुआती दौर में तो क्या होगा, इनको सेटअप करना थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है, कॉस्ट लगेगी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे रन होंगे तो हमारी कॉस्ट कम होती चली जाएगी, क्योंकि अगर हमें हर बार अगर हम ऑयल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट करेंगे ना इनलैंड लोकेशंस पे, तो उसमें हमारी कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा आएगी, काफ़ी ज़्यादा, इसमें क्या होगी, वो हमारी कॉस्ट फिर रिड्यूस हो जाएगी, तो हमें ये इफ़ेक्टिव पड़ जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं ना कि आज के टाइम पे हम सॉलिड ग्रिड्स की बात कर रहे हैं, तो हम सॉलिड ग्रिड्स की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे क्या चीज़ है, उसके डिसएडवांटेज में क्या बात बोली जाती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी सोलर एनर्जी को कैप्चर करने के लिए, वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, वो एक्सपेंसिव तो है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पर वो एक बार इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो हमें सालों साल क्या देगा, रिटर्न देगा।
सिमिलरली ये पाइपलाइंस हैं कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो लगेगी एक बार, लेकिन फिर सालों साल हमें रिटर्न देगा काफ़ी अच्छे। देर आर थ्री इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इन द कंट्री। अब तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क कौन से हैं? पहला कौन सा है? फ्रॉम ऑयल फील्ड इन अपर असम टू कानपुर वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड अलाहाबाद। इट हैज़ ब्रांचेस फ्रॉम बरौनी टू हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मोरीग्राम एंड गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी। मतलब बेसिकली क्या है कि असम से अपर असम, मतलब असम के भी ऊपरी पार्ट से, नॉर्थ पार्ट से असम के, वहाँ से उत्तर प्रदेश तक एक ऑयल फील्ड हमें देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, गुजरात से पंजाब तक कनेक्टेड है। उसके अलग अलग ब्रांचेज है, जैसे वो विरमगम तक जाता है, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत। फिर उसकी ब्रांचेज है जो कि उसको कोयाली, चक्षू एंड अदर प्लेसेस से कनेक्ट करती है। थर्ड है हमारी गैस की पाइपलाइन, फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश वाया विजयपुर इन मध्य प्रदेश। मतलब गुजरात से यूपी तक कनेक्ट कर रहा है वो, मतलब गुजरात से क्या कर रहा है वो यूपी तक क्या कर रहा है, कनेक्शन को पहुंचा रहा है, या जो ऑयल है रिफाइनरीज या गैस है, गैस पाइपलाइन है तो गैस पहुंचा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट नेटवर्क्स है, ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ वी टॉक अबाउट वाटरवेज, जल मार्ग। सिंस द एंशिएंट पीरियड इंडिया वॉज वन ऑफ द सी फेयरिंग कंट्रीज। मतलब अगर हम पहले के टाइम पे देखें ना, तो ज़्यादातर जो ट्रेड हुआ करता था वो वाया सीज ही हुआ करता था, पानी के माध्यम से, रिवर सीज के माध्यम से ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था। इट्स सीमैन सेल्ड फार एंड नियर दस कैरिंग एंड स्प्रेडिंग इंडियन कॉमर्स एंड कल्चर। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब वाटर क्या है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि इसमें हमारी क्या है कि पेट्रोल डीजल की वगैरह की हमें रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो उससे क्या है कि इसमें हमारा वो खर्चा नहीं आता है ज़्यादा। दे आर मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। मतलब जो बहुत ज़्यादा बल्की और भारी भारी गुड्स होते हैं ना, उनको कैरी करने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, सही रहता है। इट इज़ अ फ्यूल एफिशियंट एंड ट्रांसपोर्ट सॉरी एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। फ्यूल एफिशिएंट है एक तो ये, कि इसमें ऐसा कुछ फ्यूल नहीं लगता, और फ्यूल एफिशिएंट है, कोई हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ नहीं कर रहे भाई इसको देने के लिए, पेट्रोल वगैरह देने के लिए, फ्यूल देने के लिए, ना ही हम और कोई इम्पोर्ट वगैरह करना पड़ रहा है हमें ऑयल का। तो क्या है ये, क्या है, अब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट आता है, तो वो चीज़ नहीं हो रही है, एन्वायरमेंट फ्रेंडली मोड है ये। इंडिया हैज़ इनलैंड नेविगेशन वाटरवेज और 14,1500 किलोमीटर इन लेंथ। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया का इनलैंड नेविगेशन वाटरवे कितना है, 14,500 किलोमीटर। आउट ऑफ दिस ओनली 5,685 किलोमीटर आर नेविगेबल बाय मैकेनाइज्ड वेसल्स। ठीक है, द फॉलोइंग वाटरवेज हैव बीन डिक्लेयर्ड एज दी नेशनल वाटरवेज बाई दी गवर्नमेंट। अब कौन कौन से वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट द गंगा रिवर बिटवीन अलाहाबाद एंड हल्दिया, गंगा रिवर। ठीक है, तो या इसको क्या बोला गया है, नेशनल वाटरवे नंबर वन, ये नेशनल वाटरवे वन है गंगा रिवर वाला। दूसरा है ब्रह्मपुत्र रिवर पे सादिया और धुबरी के बीच में, ये नेशनल वाटरवे टू है। फिर वाटरवे थर्ड कौन सा, वेस्ट कोस्ट कैनाल, जो वेस्टर्न कोस्ट पे है, जो कि केरल में हमें देखने को मिलता है, केरल के अलग अलग कैनाल्स को कनेक्ट करता है ये है नेशनल वाटरवे थ्री। फिर स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स अलॉन्ग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल्स। मतलब ये गोदावरी कृष्णा रिवर पे और ये नीचे पुडुचेरी तक जाता है, ये नेशनल हाईवे फोर है। और फिफ्थ कौन सा है, स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलॉन्ग विद मताई रिवर, डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्राह्मणी रिवर्स एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। मतलब ये कुछ रिवर्स के साथ और ईस्ट कोस्ट कैनाल पे है, वहाँ से ये कनेक्टेड है उनके कुछ स्पेसिफाइड स्ट्रेचेज पे। ये कौन सा है, नेशनल वाटरवे नंबर फाइव। तो ये पाँच ऐसे वाटरवेज हैं
जिनको सरकार के द्वारा नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर किया गया। क्योंकि ये डिक्लेयर किया गया नेशनल वाटरवेज है, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, एक बिल्कुल हार्डली 2 मिनट्स लगेंगे, एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, उस बॉक्स में ऊपर लिखो रिवर और कनेक्शन, गंगा रिवर अलाहाबाद हल्दिया, ब्रह्मपुत्र रिवर सादियान धुबरी, और उसके साइड में लिख दो नेशनल वाटरवे नंबर, गंगा रिवर वाले पे 1, फिर ब्रह्मपुत्र रिवर वाले पे 2, फिर थर्ड वेस्ट कोस्ट कैनाल कनेक्शन में केरल और नेशनल वाटरवे 3, फिर स्पेसिफाइड चर्च में, फिर गंगा कृष्णा रिवर्स और कनेक्शन में लिख दो पुडुचेरी तक, पुडुचेरी कैनाल्स तक, और नेशनल हाईवे 4, एंड फिफ्थ में क्या डालो, ब्राह्मणी मताई महानदी ब्राह्मणी, ठीक है, और ईस्ट कोस्ट कैनाल, और उसमें नेशनल हाईवे में डाल दो नंबर 5, ठीक है, ताकि ये याद रह जाएगा, ये इसमें टेबल फॉर्म में ना वो जल्दी याद रह जाता है, आप जितनी बार देखोगे वो एकदम बिल्कुल आंखों के आगे से जाएगा, जल्दी भी होगा और याद भी होगा जल्दी, ठीक है। देर आर सम अदर इनलैंड वाटरवेज ऑन विच सब्सटैंशियल ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस। अब कुछ अंदर के अंदरूनी मतलब इनलैंड वाटरवेज भी हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे भी उन जगहों पे भी हमें काफ़ी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलता है। दीज आर मांडवी, जुआरी एंड कुंबरजुआ, सुंदरबंस, बराक एंड बैक वाटर्स ऑफ केरल। ये सारे ऐसे इनलैंड वाटरवेज हैं जहाँ पे कि हमें अच्छे अमाउंट का एक प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दीज, इंडियाज़ ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज इज कैरिड फ्रॉम द पोर्ट्स लोकेटेड अलोंग द कोस्ट। अब इंडिया का जो ट्रेड है, इंडिया क्या करती है, इंडिया का जो व्यापार है वो बाहर से भी होता है, ऐसा तो नहीं है अब, क्योंकि इंडिया क्या है, अब इंडिया क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, अब इंडिया एक ओपन इकोनॉमी है, तो इंडिया क्या करती है, डे टू डे बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे ट्रेड करती है दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के साथ, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ट्रेड में इन्वॉल्व है। तो अब वो जो ट्रेड करती है, तो ज़्यादातर जो इंडिया का ट्रेड होता है तो वो कहाँ से जाता है कि जो कॉस्ट है, जैसे कि वेस्टर्न कॉस्ट है, तो वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ पोर्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, तो इन पोर्ट से क्या होता है फिर कि वहाँ से जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के पोर्ट तक। अब ये क्या है, इससे हमारे गुड्स भी पहुँचते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स भी भेज पाते हैं वहाँ पे, और दूसरी चीज़ तीसरी चीज़ क्या होती है कि एफिशिएंट मींस है, हमारी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं आती है और हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी ये अच्छा रहता है। 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड वॉल्यूम, 68% इन टर्म्स ऑफ वैल्यू इज मूव्ड बाय सी। मतलब कि जितना भी ट्रेड होता है हमारी कंट्री का, उसका 95% कहाँ से जाता है, सी के थ्रू जाता है, ठीक है, नदियों से ही जाता है, कितना समुद्र से जाता है, कितना 95%, राइट। तो ये थे हमारे ट्रांसपोर्ट। अब ये जो ट्रांसपोर्ट है इसमें थोड़ा सा हमारा इसी में वाटरवेज में ही हमारे थोड़ा सा मेजर सी पोर्ट्स की बात करेंगे, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर सी पोर्ट्स हमारी कंट्री में कौन कौन से हैं, एंड उसके बाद एयरवेज की। तो ये ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा पोर्शन बचा है, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। टिल देन आप इस चैप्टर को देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम है, वैसे सारी बेसिक चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, बट स्टिल इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम परसिस्ट तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं अपना। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद।